एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि। वन सेकंड, मैं अपने बच्चे को देख रही हूँ और वो खेल रहा है। अब थोड़ा पलटने लगा है ना, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। और तो पूजा हो गई है मेरी, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। तो मैं खाने जा रही हूँ पेठा और पानी। वैसे मैं मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ, लेकिन आज जो है मेरा व्रत था तो मैंने जो है पानी वगैरह नहीं पिया था, और अब मैं पानी पीऊँगी। और सब मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। मैंने आलू फ्राई बनाया था और मूँगफली भुना था, फल वगैरह कट किया था। बस ये सब मेरा जो है नाश्ता हो गया। पतिदेव खाकर जा चुके हैं और अब मेरी बारी है। तो पहले इसको खा लूँ, फिर जो आप लोग से बात करती हूँ। वन सेकेंड, देखती रहूँ बीच बीच में। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, नहीं तो शुरू नहीं कर पाऊँगी, पूरा दिन निकल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है और आज मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। जल्दी मैंने आलू फ्राई बनाया था, भुना था बहुत अच्छे से, और अब थोड़ा ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है उसका। तो मैं खाने जा रही हूँ आलू फ्राई और मूंगफली और चाय, क्योंकि मुझे लग चुकी है भूख। 1 सेकेंड निकाल लूँ, फिर मिलती हूँ। यहाँ पर निकाल रही हूँ आलू और मेरा बच्चा बुला रहा है, आवाज आ रही है। आप लोग फटाफट जाती हूँ उसके पास। आ गए, तो चलिए अब मैं मिलूंगी आप लोगों से खाने के बाद, क्योंकि मेरा बेटा भी रो रहा है, पता नहीं वो मुझे ढंग से खाने भी देगा या नहीं। आ गए, 1 सेकेंड देख कर आती हूँ, क्योंकि उसका हो रहा है ना सोने का टाइम हो गया है, और अभी तक बहुत ज्यादा उसने जो है एडजस्ट किया, क्योंकि मैं मॉर्निंग से उठी हूँ और मैं अपना सारा काम मैंने खत्म किया, तब तक आज उसको पतिदेव देख रहे थे। तो अभी उसको नींद लगी है, उस सोने का उसका टाइम हो गया है। और ये है मेरा नाश्ता। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और ये है मेरी चाय। तो ये सब करने के बाद फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से। मैं मिली थी आप लोगों से मॉर्निंग में और अब फिर मिल रही हूँ इवनिंग में। फिर से बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि पतिदेव को थोड़ी सी भूख लग गई है। चाय बनाऊंगी, मूंगफली का दाना रखा है वो दे दूंगी, और उसके बाद फिर जो है शाम को कूटू के आटे की पकौड़ी या पूड़ी कुछ भी बना लेंगे, जो उनको खाना होगा वही बना लेंगे। तो मैं सोचा अपना ब्लॉग भी शुरू करते हैं, क्योंकि जो है पूरा नहीं किया था मैंने, और फिर मुझे जो है कट करना पड़ गया था, क्योंकि मेरा बेटा उठ गया था इस वजह से। और यहाँ पर ये वही आलू है, थोड़ा सा इसको गर्म कर देंगे ना, अच्छे से भून देंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगी, रखी रहेगी। और ये मूंगफली का दाना जो बचा था, इसे में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और देखिए सब बन रही है चाय। तो बस, और फिर से मेरा आज का ब्लॉग फ्रेंड्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं, और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। और लीजा बैठी है क्योंकि इनको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आलू बना ही रही हूँ अभी। इनका भी जो है इनको भी दे दूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं इस नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।